नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। और इस वक्त बात हमीरपुर की, जहां पर बूथ संख्या 101 की ईवीएम खराब हुई है। हमीरपुर में उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है और अब बूथ संख्या 101 की ईवीएम हुई खराब। मतदाताओं को लगी है लंबी लाइन। आर्य समाज स्कूल में है बूथ संख्या 101। सदर के कालपी चौराहे में आर्य समाज स्कूल और बूथ संख्या 101 की ईवीएम हुई है खराब। मतदाताओं की लंबी लाइन लगी है और ईवीएम खराब हुई है। अब देखना यह होगा कि क्या इस ईवीएम को ठीक करने की कोई व्यवस्था है या फिर ईवीएम चेंज किया जाएगा। सदर के कालपी चौराहे में आर्य समाज स्कूल, जहां पर बूथ संख्या 101 की ईवीएम हुई है खराब। उपचुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है हमीरपुर में, जहां पर मतदाताओं की लंबी लाइन लगी है। आर्य समाज स्कूल में है बूथ संख्या 101। सदर के कालपी चौराहे में आर्य समाज स्कूल, बूथ संख्या 101 की ईवीएम हुई है खराब। देखिए, अभी वोटिंग की शुरुआत ही हुई है, महज कुछ घंटे बीते हैं। और असद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर। असद, अभी तो वोटिंग को ढाई घंटे भी नहीं हुए शुरुआत हुए और ईवीएम खराब होने की खबरें आने लगी। क्या कुछ हो रहा है वहां पर, मतदाताओं की लंबी लाइन लगी हुई है असद? जी आप बता दो, जिस तरह से अभी यहाँ पे एक घंटा ही हुआ है लगभग, बूथिंग स्टार्ट हुए, वोट डाले जा रहे हैं और अभी एक से एक आर समाज स्कूल है वहां पर एक से एक बूथ संख्या है जो वहां पर ईवीएम खराब हो गई है। लगभग ये 20 मिनट बाद वहां पर ईवीएम वहां पर सही कर दी गई है और वोटिंग अभी चालू हो गई है। फिलहाल एक मौसम खराब होने के चलते देखा जा रहा है कि ईवीएम में जो प्रॉब्लम्स आ रही है मॉइस्चराइजर की वजह से, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। जी असल मतलब कहने का ये मतलब है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मौसम की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है जिसको समय रहते दूर किया जा रहा है। असल जी बिल्कुल सही बात है कि जो मौसम है यहाँ पर लगातार आपको बता दें बारिश हो रही है और लोग यहाँ पर छाता लगाकर कंटिन्यू आ रहे हैं और जो मॉइस्चराइजर हो सकता है मॉइस्चराइजर की वजह से ही ईवीएम में कहीं खराबी आ रही है। चाहिए नजर रखिए असद, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और गाजियाबाद से खबर है जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी अरेस्ट। बदमाश मोनू की को गोली लगने से घायल हुआ है। एक बदमाश मौके से फरार हुआ है। चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़। इंदिरापुरम के प्रहलाद गढ़ी में मुठभेड़। बदमाश मोनू गोली लगने से घायल। एक बदमाश मौके से फरार हुआ। इंदिरापुरम के प्रहलाद गढ़ी में मुठभेड़। पुलिस और बदमाशों के बीच देखिए ऑपरेशन क्लीन पुलिस का लगातार जारी है और इसी क्रम में लगातार पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई रही है, होती है। और गाजियाबाद में 25,000 का इनामी पकड़ा गया है। बदमाश मोनू गोली लगने से घायल हुआ है। पुलिस को एक कामयाबी मिली है। एनकाउंटर ताबड़तोड़। एक बदमाश मौके से फरार हुआ है। तो गाजियाबाद में जहां पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई, वहीं सहारनपुर में भी पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है, दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुआ है। सहारनपुर में पुलिस की मुठभेड़ हुई है बदमाशों से। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल। घायलों को भेजा गया जिला अस्पताल। छिलकाना के नलहेड़ा के जंगल में मुठभेड़। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। छिलकाना के नलहेड़ा के जंगल में मुठभेड़। घायलों को भेजा गया जिला अस्पताल। सहारनपुर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है, जबकि एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हुआ है, जिला अस्पताल भेजा गया है इलाज के लिए। और बात ग्रेटर नोएडा की, जहां पर अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मारी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मारी है। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। दादरी नगर के जीटी रोड की घटना। है खबर लखनऊ से, जहां पर पुलिस की दबंगई देखने को मिली है। दरअसल चेकिंग के दौरान पुलिस ने महिला के साथ मौजूद भाई के साथ अभद्रता और मारपीट की। महिला के साथ खड़े भाई के साथ अभद्रता और जब महिला ने विरोध किया तो पुलिस ने महिला और उसके भाई पर लाठी चलाई। चेकिंग के दौरान महिला के भाई से मारपीट।
विरोध करने पर महिला पे भी लाठी चलाई। मौके पर पहुंचे एसपी समेत तमाम पुलिस बल। देखते ही देखते कैसरबाग थाना क्षेत्र हुआ छावनी में तब्देल महाराणा प्रताप चौराहा। लोगों ने रोड जाम कर मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। पुलिस ने भीड़ पर लाठी चार्ज किया है। हालांकि पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया। खबर मेरठ से, जहां पर बेखौफ हमलावरों ने युवक को गोली मारी है। पिटाई के बाद युवक को गोली मारी है। बचाने आई भीड़ को पिस्टल दिखाकर हमलावरों ने धमकाया। बेखौफ हमलावरों ने युवक को गोली मारी, पिटाई के बाद युवक को मारी है गोली। बीच बचाव में आई भीड़ को हमलावरों ने धमकाया, घर से बुलाकर युवक को मारी है गोली। घायल युवक के दोस्त हमलावर बताए जा रहे हैं। घायल को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बारिश और बाढ़ की वजह से लोग हलकान हैं। लगातार गंगा का जलस्तर जो बढ़ा है वो कम अब भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार मध्य प्रदेश से पानी चंबल में छोड़े जाने के बाद से ही गंगा के रास्ते पूर्वांचल में तबाही मच रहा है। गाजीपुर में बीते कुछ समय से गंगा नदी उफान पर है, जिससे लोग परेशान है। तो चलिए आपको गाजीपुर के गाँव के हालातों से रूबरू कराते हैं। गाजीपुर में कहर बरपा रही गंगा, बाढ़ के पानी में डूबी जिंदगानी, सड़कों से लेकर मंदिर तक भरा पानी। इन तस्वीरों पर जरा गौर फरमाइएगा। पहली नजर में देखने पर ये तस्वीरें ऐसी लग रही हैं जैसे मानो नदी में बोट चलाई जा रही हो, लेकिन ऐसा है नहीं। जी हाँ, ये तस्वीरें किसी नदी में बोट की नहीं बल्कि बाढ़ के गहरे सितम की है, जिसकी वजह से लोग एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए बोट का सहारा लेने को मजबूर हैं। कुछ दिनों पहले ही खतरे का निशान पार कर चुकी गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। संकरी गलियों से लेकर शहरों तक हर तरफ पानी ही पानी भर गया है। खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर ऊपर बह रही गंगा के पानी की वजह से कई गांव बुरी तरह से डूब गए हैं। 5 तहसीलें बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। गंगा के साथ साथ शहरी इलाकों में भी पानी घुसना शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें जिला मुख्यालय के पास बने साईं मंदिर की है, जहां गंगा नदी के पानी ने मंदिर को भी अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया है। जनपद में गंगा इस समय अपने पूरे रौद्र रूप में है और खतरे के निशान से करीब करीब 1.5 मीटर ऊपर गंगा लगातार बह रही है। इस समय गंगा के पानी में बढ़ोतरी की दर जो है वो 0.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की है और हम इस समय नवापुरा घाट पे खड़े हैं। गाजीपुर में हमारे पीछे आप गंगा नदी उस पार जमानिया क्षेत्र है जो कि बाढ़ से पूरी तरह से घिरा हुआ है। तो वहीं बाढ़ के इन्हीं हालातों के बीच लोग मौज मस्ती भी करते नजर आए। बच्चे तो बच्चे, जनाब बूढ़े भी बाढ़ के पानी के बीच मस्ती के मूड में दिखाई दिए। चारों तहसीलों में, माने कि सदर में, सैदपुर, सेवराही और मोहम्मदाबाद में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री गाड़ियों के माध्यम से भेजा जा रहा है। बता दें, 2 दिन पहले सीएम योगी के निर्देश के बाद जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया था, साथ ही बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री मुहैया कराई थी। जिलाधिकारी ने बोट से सर्वेक्षण कर पीड़ितों को सुरक्षित शिविरों में जाने की बात कही थी। देवगली जहाँ मुख्यमंत्री आए थे वहाँ का दौरा किया, नाव से खुद बाढ़ग्रस्त गाँव में गए और लोगों से अपील की कि आप लोग इन जगहों को छोड़ के जहाँ बाढ़ का पानी घुस गया है अपने गाँव को छोड़ें पशुओं के साथ और सुरक्षित शिविरों में जिला प्रशासन के जाएं। गाजीपुर से आशुतोष त्रिपाठी, भारत समाचार।